Welcome back to my channel, everyone. Hope you guys are doing extremely well. In front of me, you can see Apache RTR 164V और ये BS6 model. So इसका लेने वाला हूँ मैं test ride और bike के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ आज. So इस पे बैठने के बाद मुझे पता चला इसका बहुत ही ज़्यादा like aggressive look है इसका और posture भी upright straight में नहीं बोल सकता like थोड़ा झुकना पड़ता है. So पहले bike start कर लेता हूँ मैं. इसका exhaust note सुन लेते हैं पहले. Okay, great. Oh ho! Zabardast pickup hai bike ka. Great. तो बाइक में दो मॉडल है, एक है डिस्क ब्रेक मॉडल और एक है ड्रम ब्रेक मॉडल. सो अभी जो मैं चला रहा हूँ वो है ड्रम ब्रेक मॉडल एंड दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा और दोनों में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे. मजा आ गया, थोड़ा उड़ाते इधर से. ग्रेट सस्पेंशन, बहुत ही ज्यादा कमाल के, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं. इसके लिए ब्रेक भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. ओके गाइस, सो बाइक के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. सो इसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो रीडिजाइन किया गया है एंड इसमें आपको अच्छा खासा फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा. सो कंपनी क्लेम करती है आपको 45 के आसपास आपको इसमें फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा और कंपनी क्लेम करती है कि आपको इसमें टॉप स्पीड मिल रहा है 120-125 के आसपास. सो इसके सीट हाइट के बारे में बात करेंगे तो आपको इसमें 800 mm का सीट हाइट मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है. अगर आपकी हाइट भी कम है, आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आपके लिए बाइक कंफर्टेबल होगी एंड जैसे कि मैंने आपको बाइक में बताया कि बाइक में पावर बहुत ज़्यादा है और अगर आपको कम प्राइस में ज़्यादा पावर वाली गाड़ी चाहिए देन आप डेफिनेटली इस बाइक के लिए जा सकते हो. ओके गाइस, सो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ABS का इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रल, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको RPM का मीटर मिलेगा. सो यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, यहाँ पे आप ट्रिप भी सेट कर सकते हो. सो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक ही प्रॉब्लम है, आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं मिल रहा है. तो अपाचे RTR 164 में पूरा आपको न्यू लुक मिलेगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा न्यू डिज़ाइन है और जो पुराने वाला BS4 मॉडल था इसमें आपको ये डिज़ाइन नहीं मिलता था, इसमें पूरा न्यू डिज़ाइन दिया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिज़ाइन, देन ये जो साइड पैनल ये पूरा नया दिया गया है एंड सबसे मेन है इसका DRL हेडलाइट. सो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आपको हाई बीम, यहाँ पे नीचे आपको लो बीम और साइड में आपको DRLs मिल रहे हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक है इसका. अगर इसके हम टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट भी आपको यहाँ पे LED मिलेगी एंड जो इंडिकेटर साइड इंडिकेटर है वो आपको नॉर्मल बल्ब्स मिलेंगे, आपको इंडिकेटर्स LED नहीं दिया गया है इसमें. चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज मिल रहे हैं. आप देख ही सकते हो मेरे सामने ग्राफिक्स ये पूरा चेंज कर दिया है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक एग्रेसिव लुक दिया गया है बाइक को. बाइक में आपको तीन कलर मिलेंगे, एक है रेड कलर, ब्लैक कलर एंड मेटालिक ब्लू. सो आपको इसमें तीन कलर मिल रहे हैं. सीट भी चेंज किया है, यहाँ पे टू टोन आपको कलर मिल रहा है सीट में, आप देख सकते हो यहाँ पे. और दोनों व्हील्स में आपको 17 इंच के टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर. ये जो मॉडल मैं चला रहा हूँ ये ड्रम ब्रेक मॉडल है और इसका प्राइस डिस्क ब्रेक मॉडल से कम है. डिस्क ब्रेक का जो मॉडल है उसका प्राइस है 1,28,000, ये है ऑन रोड प्राइस. और जो ड्रम ब्रेक का जो मॉडल है वो है 1,23,000 और ये ऑन रोड प्राइस है. जैसे कि मैंने आपको कहा ये 160cc की बाइक, मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है. सो इसके पावर के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे हम. तो पहले BS4 में आपको मिलता था 16.17 PS का पावर, बट यहाँ पे इसका थोड़ा पावर कम कर दिया है, अभी आपको मिल रहा है 16.02 PS का पावर. पहले आपको टॉक मिलता था यहाँ पे 14.8 Nm का टॉक, बट अभी इसका टॉक भी कम कर दिया है, वो इसका टॉक है 14.12 Nm का टॉक. पावर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है जैसे कि आपने कहा, क्योंकि पॉइंट्स में इसका पावर कम कर दिया गया है और कंपनी क्लेम कर दी है कि आपको 11% ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी इसी की वजह से. TVS ने जो मेन फीचर्स में लॉन्च किया है वो है GTT, सो ग्लाइड टू कंट्रोल. ये फीचर के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ क्या है. ओके गाइस, सो ट्रैफिक में जब आप बाइक चलाते हो तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है और क्लचेस भी आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. सो GTT में आपको ये फंक्शन मिल रहा है कि आप बिना क्लच यूज़ किए और बिना एक्सेलरेट यूज़ किए कि आपकी गाड़ी चलती जाएगी. सो जब आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में होगी आपको एक्सेलरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपकी गाड़ी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी.
जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी सेकंड गियर में होती तो सेकंड गियर में 11 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी और थर्ड गियर में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आपको बिल्कुल भी एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फंक्शन ये बाइक में दिया गया है। अगर आपको एक पावर वाली गाड़ी चाहिए जो कि 160-150 के सेगमेंट में है तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको इसका पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एंड अगर आपको एक पावर वाली गाड़ी चाहिए देन आप इसके लिए जा सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट करना है। एंड आपके अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो इसी नोट पे वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सिटी केयर, अल्लाह हाफिज़।